हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 11th हॉर्नबिल इस बुक की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फादर टू सन, जिसको लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स हम 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो हमसे जुड़े रहिए, बहुत सारी सरप्राइजेस आने वाली है, बहुत सारी गिफ्ट के साथ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोएम किस बारे में है, ठीक है। ये पोएम एक फादर यानी कि पिता की व्यथा, जिसे हम दुख कहते हैं, उसको बयां करती है, जो अपने बेटे के साथ सारे रिश्ते खो चुका है। बेटा अब बड़ा हो गया है, वह अपनी ही दुनिया में रहता है। वह अपने पिता के साथ किसी भी तरह के रिलेशन की कोई इच्छा नहीं रखता है। पिता इस भावनात्मक, इस इमोशनल जुदाई के दुख को बहुत गहन रूप से महसूस करता है। वह अपने बेटे के साथ उसी तरह का रिलेशन चाहता है जैसा तब हुआ करता था जब उसका बेटा एक छोटा बच्चा था। वो एक ही घर में रहा करते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब बेटा अपने आप की एक अलग ही दुनिया में चला गया है। उसका अपना एक अलग घर है। पिता उदासी और अकेलापन महसूस करता है। वह अपने बेटे को फिर से वापस पाना चाहता है। वह उसे उसकी सारी फिजूल खर्चियों के बावजूद भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। ये पोएम एक यूनिवर्सल अपील, एक सच को बयां करती है। इस पोएम में अगर देखा जाए तो एक फादर एक पिता के दुख को बयां करती है। वैसे एक फादर के नहीं, इस दुनिया में जितने भी फादर हैं उन सभी के दुखों को इस पोएम में बताया गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, ये बच्चा। हालांकि वो पिता का अपना बच्चा है, लेकिन पिता उसे मेरा बच्चा नहीं कहता, वह उसे दिस चाइल्ड यानी कि ये बच्चा कहता है, क्योंकि अब फादर और सन के बीच वो रिलेशन पहले जैसा रहा नहीं है। इसलिए दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल। कोई भी इंसान उम्र में कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह अपने माता पिता के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है। लेकिन बच्चा बड़ा होने के बाद अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को माता पिता नहीं समझता। वह उन्हें अजनबियों के जैसा बर्ताव करता है उनके साथ। ये अजनबीपन बेचारे माता पिता को बहुत दुख पहुंचाता है। इस पोएम में एक पिता कहता है कि वह उसे उसी बच्चे को समझ नहीं पा रहा है जिसके साथ वो कई सालों से उसी घर में रहा है, अब वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, वह उसके लिए बिल्कुल अजनबी बन गया है। पिता उसके साथ एक रिलेशन बनाना चाहता है, वह उसी तरह का रिलेशनशिप या एक उसी तरह का रिलेशन चाहता है जैसा तब हुआ करता था जब वो बेटा एक छोटा बच्चा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और शोन इन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। बिल्ट टू माई डिज़ाइन यानी कि मेरे जैसा ही रूप वो रखता है, मेरे जैसा ही दिखता है। तो पिता अपने बेटे के साथ एक रिलेशन बनाना चाहता है, वह उसी तरह का रिलेशन चाहता है जैसा उस टाइम पे था जब वो बेटा एक छोटा बच्चा हुआ करता था। लेकिन पिता फादर देखता है कि उस रिलेशन का जो बीज, जो सीड है, जिस पर उसने अपना सब लगा दिया था, वो बीज मर चुका है, या उसने उस बीज को उस जमीन पर बो दिया था जिस
जो जमीन उसकी थी ही नहीं, ये उसके बेटे की थी और उसका इस पर कोई अधिकार नहीं था। दूसरे वर्ड्स में अगर स्टूडेंट बताए तो बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने में लगाई गई पिता की सभी तकलीफ और शक्ति बिल्कुल बेकार हो गई है। रिलेशन का वो बीज, संबंधों का वो बीज जिसे वो इतने प्यार से पोषित करता रहा, अब किसी दूसरे की जमीन पर वो उग गया है, वो अंकुरित हो गया है। वैसे कहें तो बेटे का प्यार अब पिता से हटकर किसी दूसरी चीजों की तरफ हो गया है। अब वो अजनबियों की तरह एक दूसरे से बात करते हैं, उनके बीच एक दूसरे के लिए कोई समझ नहीं है। पिता कहता है कि उसने बच्चे को अपनी ही पसंद के अनुसार बड़ा किया था, लेकिन अब उसे वह कोई भी चीज पसंद नहीं है जो उसके बेटे को पसंद है। वैसे कहें तो पिता चाहता था कि बेटा उसकी इच्छा के अनुसार बड़ा होकर फले फूले, लेकिन अब बच्चे की अपनी ही आदतें हैं जो पिता को बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, यानी कि फिजूल खर्ची, रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड आई वुड फॉरगिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, यानी कि दुख को एक नए प्यार में कन्वर्ट कर लेना या फिर उसे बदलने के लिए। तो यहाँ पर पिता और बेटे के बीच किसी भी तरह की बातचीत नहीं होती है, वो एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं बोलते हैं, उनके चारों तरफ पूरी खामोशी छाई हुई है जब वो एक दूसरे के सामने होते हैं। इस तरह का अजनबीपन पिता को बहुत दुख पहुंचाता है। वह चाहता है कि उसका बेटा उसके पास आ जाए, वह उसके साथ अपना रिलेशन फिर से बनाना चाहता है, वह उसे उसकी सारी फिजूल खर्ची के बावजूद एक्सेप्ट करने को तैयार है। वह चाहता है कि वो लड़का अपने पिता के घर लौट आए, वह नहीं चाहता कि उसका बेटा अपना अलग से एक घर बना ले। वह कहता है कि वह उसे उन सारे दुखों के लिए माफ कर देगा जो उसने अपने पिता को पहुंचाए हैं, उन दुखों में से वह एक नए प्यार का निर्माण करेगा। दूसरी ओर वह उनके बीच की उन सारी बातों को भूल जाना चाहता है जो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वह अपने बेटे के साथ वही प्यार भरा रिलेशन चाहता है जैसा उस टाइम पर था जब वो बेटा, सही है, जब वो बेटा एक छोटा बच्चा था। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगेट। अपने मन ही मन में बाप और बेटा दोनों एक दूसरे को माफ कर देना चाहता है। पिता अपने बेटे से कहता है कि उन दिनों को एक ही धरती और एक ही जमीन पर रहना है उन दोनों को, इसलिए कोई कारण नहीं है कि वो एक दूसरे से अजनबी बने रहे। पिता को समझ नहीं आता कि वह अपने दुख में अपने बेटे पर गुस्सा क्यों हो जाता है। वह महसूस करता है कि अजनबीपन की ये सिचुएशन से उन दोनों में से किसी को भी कुछ लाभ नहीं होगा। वो दोनों एक दूसरे को माफ करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। इस तरह पिता अपने बेटे को दोषी नहीं ठहराता है, वो सिर्फ उनकी लाइफस्टाइल, अपने बेटे की लाइफस्टाइल से थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखे हैं। अगर कहें तो दूसरे वर्ड्स में अगर बात करें तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की, बाप और बेटे की लाइफस्टाइल में फ़र्क है। अगर दूसरी तरफ से देखें तो जनरेशन गैप है, इसलिए उन दोनों के विचार मिलते नहीं हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो ये थी आपकी पोएम
फादर टू सन। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड थैंक यू सो मच।